तो आइए आइए बच्चों, बच्चों, आज आज हम हम तारीख तारीख के के चौथा चौथा सबक सबक शिवाजी शिवाजी महाराज महाराज से से कब्ल कब्ल के के महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में संत संत एकनाथ के एकनाथ के बारे में बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। संत संत एकनाथ एकनाथ महाराष्ट्र महाराष्ट्र की की भक्ति भक्ति तहरीक तहरीक के के एक एक पूर्वकार पूर्वकार संत के संत के तौर पर तौर पर जाने जाने जाते जाते हैं। हैं। इनका इनका तख्लीक तख्लीक करदा करदा अदब अदब बहुत बहुत मशहूर मशहूर है। है। इसमें इसमें अभंग, अभंग, गोड़नी, गोड़नी, भारोड़, भारोड़, लोकगीत, लोकगीत, रिवायती रिवायती गीत गीत वगैरह वगैरह शामिल शामिल हैं। हैं। उन्होंने उन्होंने निहायत निहायत आसान आसान तरीके तरीके से से बड़ी बड़ी वजाहत के वजाहत के साथ साथ भागवत भागवत धर्म धर्म को को पेश पेश किया। किया। भावार्थ भावार्थ रामायण रामायण में में रामकथा के रामकथा के जरिए जरिए उन्होंने उन्होंने अव्वामी अव्वामी जिंदगी जिंदगी की की तस्वीर तस्वीर कशी कशी की की है। है। उन्होंने उन्होंने संस्कृत संस्कृत किताब किताब भागवत के भागवत के अकीदत अकीदत पर पर मबनी मबनी हिस्से हिस्से की की मराठी मराठी में में वजाहत वजाहत की की है। है। इनके इनके अभंगों अभंगों में में मोहब्बत मोहब्बत और और अपनाइयत की अपनाइयत की चाशनी चाशनी पाई पाई जाती जाती है। है। वो वो सही सही मायनों मायनों में में अव्वामी अव्वामी मौलिम मौलिम थे। थे। इनका इनका मानना मानना था था कि कि हमारी हमारी मराठी मराठी जुबान जुबान किसी किसी दूसरी दूसरी जुबान जुबान से से कमतर कमतर नहीं नहीं है। है। उन्होंने उन्होंने संस्कृत संस्कृत जुबान के जुबान के पंडितों पंडितों से से सख्त सख्त लहजे लहजे में में पूछा कि पूछा कि संस्कृत संस्कृत जुबान जुबान अगर अगर भगवान की भगवान की जुबान जुबान है है तो तो क्या क्या प्राकृत प्राकृत चोरों की चोरों की जुबान जुबान है? है? उन्होंने उन्होंने दूसरे दूसरे मजाहब मजाहब से से नफरत नफरत करने करने वालों वालों पर पर सख्त सख्त तनकीद तनकीद की की है। है। हम दूसरा दूसरा पॉइंट पॉइंट संत संत तुकाराम के तुकाराम के बारे में बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। संत संत तुकाराम तुकाराम पूना के पूना के नजदीक नजदीक देहू देहू के के रहने रहने वाले वाले थे। थे। उनके उनके अभंग अभंग शानदार शानदार और और खुशियों खुशियों से से पुर पुर है। है। उनके उनके अभंग अभंग निहायत निहायत आला आला शायरी शायरी मेयार के मेयार के हामिल हामिल है। है। संत संत तुकाराम की तुकाराम की किताब किताब गाथा गाथा मराठी मराठी जुबान का जुबान का अनमोल अनमोल विरसा विरसा है। है। उन्होंने उन्होंने अपने अपने नजरियात के नजरियात पेश के पेश नजर नजर लोगों लोगों को को दिए दिए हुए हुए कर्ज कर्ज के के तमाम तमाम कागजात कागजात इंद्रायणी इंद्रायणी नदी नदी में में बहाकर बहाकर कई कई खानदानों खानदानों को को कर्ज कर्ज से से निजात निजात दिलाई। दिलाई। उन्होंने उन्होंने समाज समाज में में फैली फैली हुई हुई मुनाफिकत मुनाफिकत और और ज़ैफुल ज़ैफुल एतिकादी एतिकादी पर पर कड़ी कड़ी तनकीद तनकीद की। की। उन्होंने उन्होंने अकीदत अकीदत को को अखलाक अखलाक से से जोड़ने जोड़ने पर पर जोर जोर दिया। दिया। समाज समाज के के कुछ कुछ वहमी वहमी और और बदख्वाह बदख्वाह लोगों लोगों ने ने संत संत तुकाराम तुकाराम की की अव्वामी अव्वामी बेदारी बेदारी की की कोशिशों कोशिशों की की मुखालिफत मुखालिफत की। की। उनका उनका कहना कहना था था कि कि संत संत तुकाराम तुकाराम को को बुनियादी बुनियादी तौर तौर पर पर अभंग अभंग कहने कहने का का हक हक हासिल हासिल नहीं नहीं है। है। ये ये दलील दलील देकर देकर उन्होंने उन्होंने तुकाराम तुकाराम की की शायरी शायरी की की बयाजे बयाजे इंद्रायणी इंद्रायणी नदी नदी में में गर्क गर्क कर कर दी। दी। संत संत तुकाराम तुकाराम के के शागिर्द शागिर्द और और माविनीन माविनीन मुख्तलिफ मुख्तलिफ जातों जातों से से ताल्लुक ताल्लुक रखते रखते थे। थे। उनमें उनमें कुछ कुछ अहम अहम नाम नाम नावजी नावजी माली, माली, गोनर गोनर शेटवानी, शेटवानी, संताजी संताजी जगनाडे, जगनाडे, शुभा शुभा कासार, कासार, बहनाबाई बहनाबाई सेवकर, सेवकर, महावजी महावजी पंत पंत कुलकर्णी कुलकर्णी वगैरह वगैरह हैं। हैं। गंगाराम गंगाराम पंत पंत मवाल मवाल और और संताजी संताजी जगनाडे जगनाडे ने ने संत संत तुकाराम के तुकाराम के अभंगों अभंगों को को तहरीर तहरीर करके करके महफूज महफूज कर कर दिया। दिया। ये ये दोनों दोनों का का एक एक अहम अहम कारनामा कारनामा है। है।